सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप कैसे हो? आई होप कि आप बड़े होंगे। तो फिलहाल मैं लेकर आ चुका हूँ आपके सामने होंडा की सीडी 110 ड्रीम बाइक। उसका दोस्तों मैं इस वीडियो में आज को रिव्यू कराना, यानी कि रिव्यू दिखाऊंगा गाइज कि इस बाइक में अच्छाई और बुराई दोनों बताऊंगा। कोई गाइज में इसमें एक चीज को लेकर नहीं चलने वाला, दोनों चीज़ों में बताऊंगा कि इसमें अच्छाई क्या है और बुराई भी क्या है, दोनों लेकर बताऊंगा। तो वीडियो को आप फुल वॉच करना, आपको फुल इस बाइक के बारे में पता चल जाएगा कि इस वीडियो में मैं क्या बता रहा हूँ। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पास ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें। तो गाइस, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर गाइस ये देख सकते हैं आप, दो एक साबी दिख रहा है एंड का इसमें ये देख सकते हैं आप, यानी कि एन यानी कि न्यूट्रल के एक नीचे लिखा हुआ है, यानी कि एक वीडियो का टाइप एक ऑप्शन लिखा हुआ है। ये गाइस ये देख सकते हैं इसमें गाइस क्या है कि हम जैसे ही मतलब इसमें कोई थोड़ी सी यानी कि साबी को ऑन करेंगे तब, यानी कि गाइस इस बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम आई थी ये लाइट ऑन हो जाएगी ताकि हमको पता चल जाएगा कि बाइक में दोस्तों ये प्रॉब्लम है। तो ये गाइस इस बाइक की ये खास बात है, यानी कि BS6 मॉडल में हर बाइक में ये ऐसा सिस्टम आता है। एंड गाइस यहाँ पर एक लाइट का ऑप्शन जो BS4 में आता था ऐसा नहीं, इसकी कंपैरिजन की बात करें तो BS4 में यहाँ पर गाइस लाइट का एक ऑप्शन आता था, वो इसमें निकल गया क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी को ऑन करते ही यहाँ पर लाइटें चालू रहती ओवर है। और दोस्तों इसमें ब्रेक करें तो दोनों साइड बैक एंड आगे वाले दोनों ब्रेक दबेंगे तो आगे वाले दबेंगे गाइस, वो भी BS4 एंड BS6 में कोई सिस्टम नहीं है। एंट्री गेट बहुत ही दोस्तों हैवी दिए हुए इसमें दोस्तों BS यानी कि होंडा साइन में देते हैं ऐसे के ऐसे गाइस दिए हैं इसमें भी। एंड गाइज ये देख सकते हैं आप, इसमें एक ऑन ऑफ यानी कि दोस्तों चालू करने का और बंद करने का दो ऑप्शन है, यानी कि ऊपर करोगे तो बंद हो जाएगा और नीचे करोगे तो चालू हो जाएगा बाइक दोस्तों। ये बहुत ही यानी कि BS6 हर बाइक में आता है, कोई बताने की ज़रूरत गाइज नहीं पड़ती। यहाँ पर गाइज चालू करने पर दोस्तों वो लाइट है जो कि मतलब जो भी प्रॉब्लम आ गया था वो इस बाइक में बता देगा गाइज कि ये दोस्तों इस लाइट से यानी कि हमारे गए। एंड दोस्तों इसकी बुराई की बात करें तो दोस्तों ये कैरियल ऊपर दी, ये बिल्कुल दोस्तों बहुत ही ख़राब, मुझे तो लुक इसका पसंद नहीं है इस दोस्तों कैरियल से। आपको क्या लगता है कि कैरियल यानी कि जो पीछे स्टील का लगो ये आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दें, एंड बुरा लगा तो भी कमेंट करें। मुझे तो गाइज अच्छा नहीं लगा, हम तो गाइज दूसरा लगवाएंगे अभी। एंड गाइज जिसकी बात करें सीडी 110 का बहुत ही हैवी मार्का दिया है ड्रीम का हेड BS6 वो भी गाइज नीचे दिया हुआ है। एंड ESP ये दोस्तों BS6 का नया मॉडल का, अभी BS4 की कंपैरिजन करें तो उसमें गाइज नहीं दिखाई दे रहा था। अगर गाइज इसमें साइलेंसर की बात करें तो दोस्तों BS6 एंड BS4 में बहुत ही अंतर है। यहाँ पर गाइज ये नया दिए हुए हैं कि इसमें दोस्तों फील बहुत ही कम खाता है। एंड दोस्तों ये होंडा का देख सकते हैं बहुत ही हैवी मार्का दिया हुआ है। एंड गाइज इसमें फ्यूल लेने की दोस्तों उसमें और इस BS4 यानी कि और BS6 में दोस्तों 10 किलोमीटर का एवरेज होता है, यानी कि दोस्तों BS4 है तो 10 किलोमीटर माइलेज है जो कम देगा एंड ये ज़्यादा देगा। और दोस्तों इसमें इधर भी इस साइड यानी कि लेफ्ट साइड में भी बहुत ही हैवी मार्का दिया हुआ है होंडा का, देख सकते हैं गाइज बहुत ही हैवी। मुझे तो गाइज ये बाइक बिल्कुल बहुत ही पसंद है। एंड दोस्तों इसमें पसंद ना आया यानी कि वो स्टील का जो पीछे है वो बिल्कुल भी गाइज मुझे पसंद नहीं। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। गाइज मुझे पता आपने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब कर दीजिए गाइज इतना दोस्त। गाइज मैं आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सब्सक्राइब तो करने में क्या ज़्यादा, एक सेकंड लगेगा गाइज सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज मिलता है नए एंड एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद वंदे मातरम। कमेंट कर देना कि ये बाइक गाइज कैसा लगा आपको।